मध्य प्रदेश के इलाकों में मौसम केंद्र में बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धवले का कहना है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर से प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके चलते अगले चार दिन यानी 11 अप्रैल तक एक बार फिर ओले, बारिश, बिजली और तेज हवा का दौर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में पहली बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रांग सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे बादलों का आवाजाही है और कहीं कहीं जो है वर्षा हो रही है, तो खासकर जो मध्य प्रदेश में भी जो है इसका असर अपने को देखने को मिल रहा है और आज भी जो है ऐसा ही वेदर रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में, मीन्स पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट एमपी, साउथ ईस्ट एमपी में आपको मीन्स गरज चमक के साथ हल्की वर्षा देखी जा सकती है। और 9 और 10 तारीख को ये सिस्टम जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो मीन्स उसकी वजह से जो है 9 और 10 तारीख को हमने चेतावनी दी है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 और 10 तारीख को जो है मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट, यहाँ पे जो है हमने रेड अलर्ट दिया है, जिसके मीन्स वहाँ पे जो है गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं वज्रपात होने की भी पॉसिबिलिटी है, उसके साथ ही जो है कहीं कहीं हल्के ओले भी गिर सकते हैं।